बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मायरा अमजद, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, क्योंकि आज हमने अपनी काउंटिंग को कंटिन्यू करना है अपनी बुक मैथमेटिक्स ग्रेड वन में। यूनिट नंबर वन के अंदर हमने आज 51 से 100 तक काउंटिंग सीखनी है। आपको याद है ना आपने कैसे काउंटिंग सीखी थी? वन मोर ऐड करके, बिल्कुल। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज ओपन कर लें जहाँ पे मैं आपको काउंटिंग सिखाने जा रही हूँ। जी तो बच्चों, यहाँ पे हैं हमारे पास बीड्स, तो आपने ये सारे बीड्स काउंट कर लेने हैं। अगर मुझे ये बताएं कि एक रिंग में कितने बीड्स हैं? 10। ओके, फिर दूसरे रिंग में भी 10 हैं, तो इस तरह करके हमारे पास 5 रिंग्स हैं, यानी कि हमारे पास 50 बीड्स हैं। लेकिन जो हमारा 6 वाला रिंग है उसमें 1 बीड है, यानी कि 50 + 1 दैट विल बी 51। वेरी गुड। और आपको पता है इसमें जो 1 है वो हमारा 1s है और जो 5 है वो हमारा 10s है। अच्छा बच्चों, अगर 51 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 52। वेरी गुड। और फिर आपने इसी तरह 1-1 ऐड करके 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 तक कंप्लीट कर लेना है। अगर आप लास्ट में मौजूद बीट्स को काउंट करते हैं तो ये 60 बीट्स हैं। जी बच्चों, अब आप अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर जाएं। अब हमने 60 बीड्स में 1 मोर बीड ऐड करना है, तो ये कितने बन गए? 61। बिल्कुल। इसके बाद हम 61 बीड्स में 1 मोर बीड ऐड कर देंगे, तो ये कितने बीड्स बन जाएंगे? 62। ओके, अब मुझे ये बताएं कि 62 के बाद 63 बन जाएंगे, क्योंकि हमने 1 मोर बीड ऐड कर दिया। इसी तरह आप 64, 65 और 6 बीड्स ऐड करके 66 बना सकते हैं। जब आप 66 में 1 मोर बीड ऐड करेंगे तो ये 67 बन जाएगा। जब आप 67 में 1 मोर बीड ऐड करेंगे तो ये 68 बन जाएगा। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि जब आपने 68 में 1 मोर बीड ऐड करके 69 बना लिया तो उसमें 10s कौन सा है? जी बिल्कुल, 6, जो कि लेफ्ट साइड पर लिखा है। ओके, लास्ट में हमने 69 में 1 मोर बीड ऐड किया तो वो 70 बन गया। अब हमने 70 में जो 0 है वो 1s वाले बॉक्स में लिखा और जो 7 है वो 10s वाले बॉक्स में लिखा। अब हमने नेक्स्ट पेज की तरफ जाना है जहाँ पे हमने इसी तरह 70 में 1-1 बीड ऐड करते चले जाना है और 80 तक काउंटिंग कंप्लीट करनी है। कैसे? 70 + 1 = 71, 70 + 2 = 72, 70 + 3 = 73, 70 + 4 = 74 और जब 74 में 1 मोर बीड ऐड किया, यानी कि 570 में 5 बीड ऐड किए तो वो 75 बन जाएगा। 70 + 6 = 76, 70 + 7 = 77, 70 + 8 = 78। और आपको पता है कि जब आप 78 में 1 मोर बीड ऐड करेंगे तो वो 79 बन जाएगा, या आप 70 में 9 बीड ऐड करेंगे तब भी वो 79 बन जाएगा, और लास्ट में आपने 70 के अंदर 10 मोर बीड ऐड करने हैं ताकि आपका 80 बन जाए। अब याद रहे कि 80 है 2 डिजिट नंबर और उसमें राइट साइड पे लिखने वाला डिजिट हमारा 1s है और लेफ्ट साइड पर लिखने वाला हमारा 10s है। आपने इसी तरह अपने पेज पर 1s वाले बॉक्स में 1s लिखना है और 10s वाले बॉक्स में 10s लिखना है। अब अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर चलें और जल्दी से 81 से लेकर 90 तक काउंटिंग कंप्लीट कर लें। कैसे? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। और ये हमने कैसे किया था? जी जी, 1-1 बीड ऐड करके।
उसके बाद हमने 99 तक अपनी काउंटिंग को कंप्लीट करना है, और वो कैसे करेंगे, 90 बीड्स में 1 बीड ऐड करके 91 बना लेंगे, 91 में 1 बीड ऐड करके 92 बना लेंगे, और 92 में 1 बीड ऐड करके 93 बना लेंगे। इसी तरह हम 1-1 बीड ऐड करते जाएंगे, और जब 90 में 9 बीड्स ऐड कर लेंगे तो 99 बन जाएगा। और आपको मैं बताऊं कि 99 जो है वो हमारा लास्ट 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसके बाद हमारी 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। अभी नहीं, अभी हम अपने 2 डिजिट नंबर की एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट पेज पर। काउंट एंड राइट द नंबर एंड नंबर नेम। जी, आपने यहाँ पर मौजूद सारे रिंग्स में सारे बीट्स को काउंट करना है और यहाँ पर वो नंबर लिख देना है। ओके बच्चों, इसके बाद फिल इन द मिसिंग नंबर्स। जी, आपने यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है वो लिखना है, क्योंकि आपने सारी काउंटिंग अब याद कर ली है, तो आपको पता है कि 80 के बाद 81 आता है, फिर 82 आता है, फिर 83 आता है, और 84 के बाद 85 आता है। अच्छा बच्चों, नंबर 3 क्वेश्चन में आपने क्या करना है, राइट द मिसिंग नंबर्स एंड नंबर नेम्स। जी, अब आपने इसको वर्ड्स में लिखना है। जी, 58 को आपने वर्ड्स में लिखना है, FIFTY 50, EIGHT 58। इसी तरह जहाँ पे आपके पास वर्ड्स में लिखा है उसमें आपने नंबर्स में लिखना है, और इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पर ये काउंटिंग याद करनी है, और यह है फॉरवर्ड काउंटिंग, क्योंकि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद आपने नीचे दी गई एक्सरसाइज में काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर्स, आपने काउंटिंग पढ़ते चले जाना है और जो नंबर्स यहाँ पे मिसिंग है वो लिखते चले जाना है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पेज पर अब आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, यानी कि 99 से पीछे चले जाना है, और नीचे दी गई एक्सरसाइज में बैकवर्ड काउंटिंग को लिखना है, यानी कि 24 से पहले जो आता है वो लिखें, 59 से पहले क्या आता है, 58, और इसी तरह आपने ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। जी तो बच्चों, आपने देखा आज आपने 99 तक काउंटिंग सीख ली, यानी कि आपने लास्ट 2 डिजिट नंबर्स तक काउंटिंग कंप्लीट कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 1 से लेकर 99 तक काउंटिंग को याद करेंगे और अपनी इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।